नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वैसे तो 7 वाट के जो एलईडी बल्ब होते हैं इनका अगर ड्राइवर ख़राब होता है तो इसके जो ड्राइवर या एमसी पीसीबी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो आपका 12 वाट 14 वाट 18 वाट इस तरह के जो बल्ब होते हैं इन बल्ब का एमसी पीसीबी तो मिल जाता है लेकिन ड्राइवर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बड़े मुश्किल से किसी तरह से मिलता है लेकिन ये थोड़ा कास्टली होता है। ऐसे में दोस्तों सामान न मिलने की वजह से आप लोग इस तरह के जो 12 वाट 14 वाट 18 वाट के एलईडी बल्ब होते हैं उसको आप लोग स्क्रैप में फेंक देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप इस फैन कैपेसिटर की मदद से कैसे इस एलईडी बल्ब को 14 वाट 18 वाट जो भी है यानी आपका 7 वाट भी बल्ब है तो भी आप इसकी मदद से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो तरीका है वो आपका 7 वाट 9 वाट 12 वाट 14 वाट 18 वाट किसी भी मतलब 18 वाट तक कोई भी एलईडी बल्ब हो सब में ये मेथड काम करने वाला है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमने जो बल्ब लिया है वो हमारे पास है 14 वाट का एलईडी बल्ब। ये पूरी तरह से डेड है, हमने देखिए इसको पहले ही खोल खाल लिया है। इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो पूरी तरह से ख़राब है। तो अब इसका हम जो कैप है वो बाहर से इसे खोल देते हैं, उसके बाद जो हीट सिंक है इसका उसे भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए हीट सिंक यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका जो तार है यहाँ ड्राइवर से आया हुआ इसे हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। अभी दोस्तों एमसी पीसीबी को निकाल लेने के बाद यहाँ जो हमको ड्राइवर है उसे भी बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ ड्राइवर देखिए निकाल लिए हैं। ये जो हमारा ड्राइवर है ये पूरी तरह से लगभग जल चुका है। इसका जो देखिए दोनों रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुए भी जल गया है और यहाँ एमओबी है वो भी जल गया है। कैपेसिटर भी यहाँ पे ये ड्राइवर जो है ट्रांसफार्मर इसका भी जो तार वार है वो टूट गया, यानी इसमें कई पार्ट डेड हो चुके हैं लेकिन हमें एक पार्ट की ज़रूरत होती है जो कि यहाँ पे वो सही होता है। लगभग सारे कैपेसिटर में वो सही होता है। वो पार्ट कौन सा है? वो होता है यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला जो कैपेसिटर लगा होगा उस कैपेसिटर की हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। अब ये कैपेसिटर देखिए, इस कैपेसिटर का नंबर है 100 UFD और 100 वोल्ट। ये अगर कैपेसिटर आपके मतलब इस ड्राइवर में ख़राब है तो इसे आप मार्केट से भी ले सकते हैं। जब मार्केट से ले सकते हैं चाहे आपका किसी अदर ड्राइवर से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए। UF आपका 100 की जगह 68 होगा तो भी चलेगा। अब दोस्तों इस कैपेसिटर को निकाल लेने के बाद आपको लेना है 4 डायोड IN4007। इसका आपको फुल ब्रिज बनाना है। फुल ब्रिज अगर आपको बनाने आता है तो आप वीडियो थोड़ा स्किप कर लीजिए, अगर नहीं बनाने आता है तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इधर होता है आपका ब्लैक साइड और एक साइड में होता है व्हाइट साइड। तो जो ब्लैक साइड होता है वो एनोड होता है और सफ़ेद पट्टी इधर होता है वो कैथोड होता है। आपको क्या करना है, दो डायोड लेना है और दोनों के कैथोड को आपस में इस तरह से आपको लपेट देना है। इसको बनाना बहुत सिंपल, बस एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा डायोड आप उठाएंगे, दोनों जो दो डायोड बचा हुआ है इसका जो एनोड है, एनोड मतलब जो इसका ब्लैक साइड है, इस ब्लैक साइड को आपस में इस तरह से लपेट देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको इससे भी लपेट देना है। लपेट देने के बाद अब आपके पास ये जो दो बचे हैं, एक आपने व्हाइट वाला कैथोड वाला लपेटा था और ये एनोड वाला, अब आप इसको इस तरह से ऐसे लपेटेंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसे पलट के भी लगा सकते हैं, अब आपका यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो आइए फटाफट इसे हम यहाँ पे लपेट देते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमारा फुल ब्रिज बनके तैयार हो गया। आपको इस तरह से बना लेना। अब इसका जो बढ़ा हुआ लेग है एक्स्ट्रा लेग हम इसको इस तरह से कट कर देते हैं। अब दोस्तों ब्रिज बना लेने के बाद हमें क्या करना है, अब इस कैपेसिटर को यहाँ लगाना है। तो कैपेसिटर देखिए अगर आप नया लेंगे तो इसमें जो एक लेग बड़ा होगा और एक लेग आपका छोटा होगा, तो जो बड़ा वाला लेग होगा वो प्लस होगा और छोटा वाला जो होगा वो माइनस होगा। लेकिन जब आप सर्किट से निकालेंगे तो इसके दोनों लेग बराबर रहेंगे। और अब यहाँ आपको माइनस प्लस देखना है तो देखिए एक साइड में आपको देखने को मिलेगा सफ़ेद या काली पट्टी इस तरह से होती है, उस पर माइनस का सिंबल बना होता है और दूसरी साइड में आपको इस तरह से कोई पट्टी देखने को नहीं मिलेगी। तो जिस साइड में आपको इस तरह से पट्टी देखने को माइनस का सिंबल मिले वो लेग हो जाता है माइनस का और ये वाला हो जाता है प्लस का। तो आपको इसे ब्रिज रेक्टिफायर में कैसे जोड़ना है, यहाँ पर देखिए जो दोनों वाइट, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ एक चीज़, जो वाइट जो दोनों एक साइड में है, जो दोनों वाइट पट्टी जो है एक साइड में है वो होता है प्लस और जो दोनों ब्लैक एक साइड में होता है एक में लपेटा हुआ है वो होता है
माइनस, यानी जो दोनों एनोड एक साथ जुड़ा है वो माइनस और जो दोनों कैथोड जुड़ा हुआ एक साथ वो प्लस। तो आपको कैपेसिटर को इस प्लस माइनस को इसी तरह से जोड़ना है। अभी दोस्तों कैपेसिटर जो है प्लस माइनस देख के आपको इस तरह से जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद अब यहाँ हम MCPCB को सप्लाई देने के लिए यहाँ दो वायर हम प्लस माइनस रेड और ब्लैक ले लेंगे। तो इतना बड़ा हम काट लेते हैं जिससे हम MCPCB को कनेक्ट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे MCPCB पे हमको प्लस माइनस इस तरह से, इस पर सिंबल बना होता है प्लस और माइनस का, इस तरह से आपको जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद अब यहाँ जो इसका प्लस है, देखिए इस प्लस के जो कैपेसिटर का जहाँ पे प्लस है उस रेड वाला वायर आपको प्लस पे यहाँ पे जोड़ देना है। अब प्लस को जोड़ लेने के बाद जो कैपेसिटर का माइनस है वहाँ पे इस ब्लैक वायर को आपको जोड़ देना है। अब इतना कर लेने के बाद अब आपको लेना है फैन कैपेसिटर। तो फैन कैपेसिटर का जो, अब देखिए दो डायोड का जो दो भाग था यहाँ प्लस वाला और माइनस वाला, यहाँ पे हमने LED को यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ दो पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, तो किसी एक पॉइंट के कैपेसिटर का कोई भी एक पॉइंट, चूँकि इस कैपेसिटर में कोई प्लस या माइनस नहीं होता है और जो कैपेसिटर हमने लिया है इसका नंबर है 2.5 UFD और 440 वोल्ट, आप 450 वोल्ट कोई भी ले सकते हैं, जो MFD है वो आपको 2.5 ही लेना है। तो इसका कोई एक लेग आपको इस, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, आपको यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेना है। अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब हमें AC से कनेक्ट करने के लिए दो वायर लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ आपको बाहर एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद LED बल्ब में कैसे फिट किया जाता है वो भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ क्या करना है, जो दो वायर हमने लिया है AC से कनेक्ट करने के लिए, उसका एक वायर जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर एक पॉइंट बचा हुआ है खाली, उस पर एक वायर को हमें इस तरह से यहाँ पर जोड़ देना है। तो इसे जोड़ लेने के बाद देखिए यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ। जोड़ लेने के बाद अब जो दूसरा वायर है, जो फैन कैपेसिटर का दूसरा वायर बचा हुआ है, इसमें हमें इस तरह से कुछ लगा लेना है। देखिए यहाँ हमने इसे फिट कर दिया। अब यहाँ हम सारे चीज़ को देखिए, हमारा सिस्टम जो है अब सर्किट बन चुका है, अब इसे हमें टेस्टिंग करना है। तो यहाँ मैंने सब कुछ सेट कर दिया। अब ये रहा मेरा बोर्ड जहाँ पर मेरा 220 वोल्ट AC सप्लाई है। तो अब हम इसमें लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा 14 वाट का LED बल्ब है, इसका जो MCPCB फुल रोशनी में बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब ये जल रहा है। ठीक है, अब आइए हम कैसे इसे फिट करना है वो आपको हम बता देते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो सर्किट है ये आपका 7 वाट से ले कर 18 वाट तक का कोई भी आपका LED बल्ब हो उस सब में ये काम करेगा। बस उसमें करना क्या आपको है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर कैपेसिटर ये सब एक रहेगा, लेकिन जो यहाँ कैपेसिटर ये आपको 100 UF 100 वोल्ट लगा हुआ है, अगर 7 वाट वाले में लगाते हैं तो 7 वाट में जो कैपेसिटर लगा होगा उसी कैपेसिटर को आपको निकाल के या उसी नंबर का मार्केट से लेके आपको लगाना होगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इसका मेन वायर है इसको हम हटा देते हैं और यहाँ ये भी वायर हटा देते हैं और यहाँ पे हमें इस कैपेसिटर को भी हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ कैपेसिटर को भी का वायर भी हम यहाँ से हटा लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इस पर एक एक्स्ट्रा वायर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो आप किसी भी कलर का एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक वायर है, मैं इसे किसी भी एक साइड में यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। अभी दोस्तों वायर जोड़ लेने के बाद अभी मैं क्या करना है, इस LED बल्ब के अंदर फिट करना है। तो कैसे फिट करना आइए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, देखिए जो कैपेसिटर है ये बहुत बड़ा है और इसका जो बॉडी है वो बहुत छोटा है। किसी किसी का बॉडी यहाँ बड़ा होता है तो कैपेसिटर अंदर ढुक जाता है, लेकिन यहाँ नहीं ढुक पाएगा। तो यहाँ क्या करना, एक यहाँ पर को एक छोटा सा होल हम बना लेंगे। तो आइए फटाफट होल हम बना लेते हैं। इस तरह देखिए हमने यहाँ पर होल बना लिया। आप भी ड्रिल मशीन या किसी भी चीज़ से इस तरह से होल बना लेंगे। अब होल बना लेने के बाद जो है यहाँ पे हम कैपेसिटर का दोनों वायर यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब डाल देने के बाद यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो एक वायर यहाँ पे हमने जोड़ा था पहले, उसी पे हमें इसका एक वायर इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से यहाँ वायर को जोड़ लेने के बाद अभी यहाँ हमारे पास क्या है, दो वायर बच रहे हैं। अब इन दोनों वायर को हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे
जोड़ लेना है। यहाँ पे जो दो पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों वायर को डाल के हमें जोड़ लेना है। तो आइए फटाफट हम इसे जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों वायर को यहाँ पे इस तरह से सही से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ हमारा ड्राइवर है, जो कैपेसिटर और डायोड, इनको हमें टेप से यहाँ पे कवर कर देना है, क्योंकि भाई अंदर देखिए यहाँ हीट सिंक है, वहाँ पे आपको ये शॉर्ट करने का डर रहेगा। तो यहाँ टेप से हमें अच्छी तरह से यहाँ पे कवर कर देना है। हमें टेप से इसलिए कवर करना है कि अगर हमारा हीट सिंक में कहीं शॉर्ट करेगा तो ये सप्लाई हमारी कट जाएगी। देखिए तो अच्छी तरह से हम टेप यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ अच्छी तरह से टेप लगा लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह से सेट कर लेना है। देखिए आप चूंकि इसमें जगह इतना बहुत है, कहीं भी आप इसे सेट कर सकते हैं। सेट करके हम इस हीट सिंक को भी यहाँ पे लगा देते हैं। अब भाई अब बोलेंगे ये लटका, देखिए ये ऐसे लटका रहेगा, अब बोलेंगे लटका रहेगा तो यार ये जो बल्ब होता है 14 वाट 18 वाट थोड़ा महंगा आता है। अगर आपका इतने सस्ते में ये एलईडी बल्ब बन जाता है तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये फैन में भी तो कैपेसिटर लगा होता है, वो फैन के अंदर नहीं होता है, वो भी बाहर ही होता है। तो अब हम इसे जब होल्डर में यहाँ पर लगाएंगे, देखिए इस तरह से होल्डर में इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कैपेसिटर है, थोड़ा सा मैं यहाँ सप्लाई निकाल के दिखाता हूँ। अब ये ऐसे आपका लगा रहेगा होल्डर, ये नीचे लटका रहेगा, देखिए यहाँ पे इस तरह लटका रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं डिफ्यूज़र यहाँ पे लगा देता हूँ। अब डिफ्यूज़र लगा के मैं एक बार इसे जला के आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो रोशनी है, फुल रोशनी, और भी बल्ब जो जल रहे हैं उसको मैं बुझा देता हूँ एक बार। तो अब आप देख सकते हैं जो इसकी रोशनी है, फुल रोशनी है, रोशनी में कोई भी कमी नहीं है, और बहुत ही लंबे समय तक ये चलेगा, ये जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर इस तरह का ड्राइवर सर्किट आप बना लेते हैं तो आपका जो भी 14 वाट 12 वाट 18 वाट एलईडी होगा वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।